प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी, जी हाँ, ये आजकल परफेक्ट कपल हुए हैं। इन्हें आप जहाँ भी देखेंगे साथ देखेंगे, चाहे वो फिल्में हो, अवार्ड फंक्शन हो, या फिर भाई बाहर खाना खाना हो, यानी कि डिनर करना हो, फैमिली डिनर करना हो, तो भी आप इन दोनों को साथ ही देखेंगे। इन दिनों ये दोनों फेविकोल के जोड़ से ज़्यादा मजबूत जोड़ से चिपक चुके हैं। वैसे आपको ये बता दें कि ये दोनों लगातार कई फिल्में कर रहे हैं साथ। अभी इन्होंने अपनी एक फिल्म इश्क कंप्लीट की, उसके बाद ये love.com में भी साथ नज़र आएंगे। और तो और, इससे पहले आपने दोस्ताना इनकी एक साथ देखी थी। आपको ये भी बता दें कि जब से काजल राघवानी खेसारी के लाल यादव के साथ फिल्में कर रही थी, तब तक प्रदीप पांडे चिंटू के साथ इन्होंने कभी फिल्में नहीं की। लेकिन जैसे ही खेसारी का साथ छूटा, वैसे ही काजल राघवानी को प्रदीप पांडे चिंटू का साथ मिल गया है और ये दोनों एक साथ कई फिल्में कर रहे हैं और इनकी जोड़ी को भी बहुत पसंद किया जा रहा है। वैसे आपको ये बता दें कि इनकी जोड़ी साथ में अच्छी भी लगती है। आप अगर गौर फरमाएं तो पिछले दिनों से अब तक काजल राघवानी और प्रदीप पांडे चिंटू एक साथ आपको कई जगह दिखे होंगे। और तो और, पिछले दिनों जब खेसारी लाल यादव का विवाद हुआ था जो आईजी डीआईजी के सामने, उसके बाद तो प्रदीप पांडे चिंटू ने काजल राघवानी का साथ एक पल नहीं छोड़ा। बड़े ही मुस्तैदी के साथ अपने इस को-स्टार के साथ ये डटे रहे। वैसे अभी लोग ये कह रहे हैं कि काजल राघवानी में प्रदीप पांडे चिंटू को मिल गया है नया प्यार। और वही हाल भाई काजल राघवानी का भी है। खेसारी का साथ तो छूटा ही है और अब उन्हें काजल राघवानी जैसी भोजपुरी जगत की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस का साथ मिल चुका है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।